Children, now children, there are two types of software. Are you able to see? Hardware is only hardware doesn't have any parts, but software are there are two types of software. One is system software, and second one is application software. Children, what happens in system software? See, system software is the software which help us to manage the system resources. जो सिस्टम होती है, सिस्टम मतलब कंप्यूटर सिस्टम, उसके अंदर जो भी रिसोर्सेज रहते हैं, रिसोर्सेज मतलब हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, उनको वो सब मैनेज करता है. जैसे स्कूल को कौन मैनेज करता है? प्रिंसिपल. वैसे ही कंप्यूटर को कौन मैनेज करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर बेटा जिनको हम यूज करते हैं. एप्लीकेशन मतलब जिसमें से हमको कुछ रिजल्ट मिलता है, कुछ आउटपुट मिलता है, और कुछ ना कुछ वो टास्क परफॉर्म करते हैं, कुछ ना कुछ एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिनको हम यूज करते हैं. जैसे एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पेंट हो गया, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. क्यों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? क्योंकि हमको उसमें से कुछ आउटपुट मिलता है, कुछ रिजल्ट मिलता है, इसलिए हमको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं. और सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं. यहाँ पे उसके तीन टाइप्स है, इनके पास आपको नाम पढ़ना है, इनका हमको डिस्क्रिप्शन में नहीं है. तीन सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होती है, सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर होता है, एक यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिफरेंट टाइप्स, बट ओनली दे हैव गिवन यू टू एप्लीकेशन पैकेज, दैट इज एमएस वर्ड, लोटस 1, 2, 3 एंड कस्टम सॉफ्टवेयर. एंड अगेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कुछ काम करने के लिए, कुछ हमको कुछ काम करना है, हमारा कुछ पर्पज है, उसके पीछे कुछ हमारा मतलब दायरा है कि हमको ये काम करवाना है, तभी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं. और जब सिस्टम को चलाना है, सिस्टम को मैनेज करना है, तो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं. इज इट क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक. थैंक यू.